डोनाल्ड ट्रंप वेलकम टू डोनाल्ड ट्रंप वेलकम टू। ये दोनों झूठा को आके देखने की जरूरत है ना। एक अमेरिका का सबसे बड़ा झूठा, दूसरा इंडिया का सबसे बड़ा झूठा। चोर चोर मुसेरे भाई, मोदी जी ने जो 13 साल मुख्यमंत्री रहते हुए और 6 साल प्रधानमंत्री रहते हुए गुजरात मॉडल की हवा निकाल दी, 10 किलोमीटर लंबी और 7 फीट ऊंची दीवार खींचने की जरूरत पड़ी। जितना अमिताभ बच्चन का दीवार फिल्म पॉपुलर नहीं हुआ, मोदी जी का दीवार, जाति के बीच में दीवार, धर्म के बीच में दीवार, अमीरी गरीबी के बीच में दीवार, ये राजमिस्त्री है या प्रधानमंत्री, देश पूछ रहा है। वोट लेने के लिए गरीबी दिखाते हो, है अपने यार ट्रंप को घुमाने के लिए गरीबी छुपाते हो। एक बात मेरे अभी बात जहन में आई, भाजपा के लोग कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं। 1990 में जिस समय कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भाजपा के समर्थन से थी। भाजपा के नेता जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला मंत्री थे, जब वो देशभक्त थे। जब महबूबा के साथ इन्होंने सरकार बनाई, उनसे राखी बंधवाई, वो देशभक्त थी। आज देशद्रोह हो गई। फिर वाजपेयी जी की सरकार 6 साल रही, 6 साल मोदी जी की सरकार हुई, तो 12 साल में कश्मीरी पंडितों को चूनी बसाया गया। भाजपा के लोग जानबूझकर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे। 2019 से पहले मोदी जी का नाम था जुठलर, फेकू, जुमलेबाज, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला प्रधान, नौटंकीबाज प्रधानमंत्री। एगो अंग्रेजों से माफी मांगा तो हो गया वीर, और दूसरा सलवार पहन के भागा तो हो गया अमीर, और तीसरा 4 लाख का बूट और 5 लाख का सूट पहन कर हो गया फक्कर फकीर। ये मोदी जी हैं पनौती। घर में थे, घर में इनके पिताजी गुजर गए। जब यशोदाबेन जी के साथ शादी हुआ, वो भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, बेचारी न सुहागन रही न विधवा। जब ये चाइना गए, कोरोना हो गया, इजराइल गए तो वहाँ का राष्ट्रपति, पाकिस्तान गए नवाज शरीफ, ब्रिटेन गए कैमरन साहब गए, गुजरात में मने मुख्यमंत्री, वहाँ गुजरात जल गया, गुजरात का विनाश हुआ, दिल्ली में आए, दिल्ली का हुआ। देखिए, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी, अच्छे दिनों का झांसा देकर। ये ट्रंप में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, कहते हैं मोदी जी दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है, बस का किराया फ्री हो गया तो मुफ्तखोर हुआ। आप एक बात बताइए, सिलेंडर, आप ये सब तमाम चीज़ों से देखेंगे कि आप पानी बिजली बिल के लेके दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कर रहे हैं। विजय रूपानी 191 करोड़ का चार्टर प्लेन खरीदता है, उनके पिताजी लाए थे क्या? मनोहर लाल खट्टर प्लेन खरीद रहे, आप अपने सांसदों के वेतन और भत्ते बढ़ाए, ये पैसा किसका है? देश में मंदी और गिरी हुई अर्थव्यवस्था के बावजूद भाजपा 150 से अधिक अपने ऑफिस बनाता है, 5 स्टार होटल। ये भाजपा नेताओं के पिताजी काम करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, अजीब सी बात। देखिए क्या होता है NRC, क्या होता है CA, क्या होता है NPR। प्रधानमंत्री जी, आपने हिंदुस्तान की आवाम के बीच में यही दीवार खींच दी है। NRC है, यही CA है, यही PA है। अब देखिए, हम ये कहते हैं CA, हम कहते हैं PA, पब्लिक अटेंडमेंट एक्ट लाते तो कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी लोग नहीं आते। आप NRC की बात करते हैं, हम NRU की बात करते हैं, नेशनल रजिस्टर एम्प्लॉयमेंट लाते, युवाओं को रोजगार मिलती। देखिए, न हिंदू की बात हो न मुस्लिम की बात हो, देश की प्रजा परेशान है, उसके निवालों की बात हो, हमारी नींद को तकलीफ न मंदिर के भजन से है, न मस्जिद के अजान से है, हमारे नींद को दिक्कत हमारे देश में मरते हुए आत्महत्या करते हुए युवाओं से है, किसानों से है, सरहदों पर मरते हुए हमारे शहीद सैनिकों से है। देश के शहीद सैनिकों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, है? अपने यार ट्रंप के साथ रंगलीला मनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? इतना निकम्मा प्रधानमंत्री, ये जबरन हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की साजिश हो रही है। शाहीनबाग और NRC CA जैसे मुद्दों को कमजोर करने के लिए भाजपा का सोचा समझा राजनीति है। इससे देश की जनता को, चाहे वो हिंदू समाज के हों या मुस्लिम समाज के हों, ऐसे बरबोले नेताओं को जो समाज को जाति और धर्म में बांटने का काम करता है, उससे बचने की जरूरत है।
जो जानबूझकर भाजपा के हाथों में खेल रहे और इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे, ये देश बचाने की लड़ाई है। जितना ये देश, कोई भी कानून, संपत्ति देश के सभी नागरिकों के लिए होना चाहिए। कोई माँ बाप अपने संतानों में भेदभाव करता है क्या? आज जिस तरीके से राजनीतिक रंजिश के कारण आप चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो यहाँ आए, देखें। डोनाल्ड ट्रंप साहब ही नहीं आए, देश के सभी पार्टियों के सांसदों को जो लोकसभा राज्यसभा में है, इनको सर्वदलीय समिति बनाना चाहिए। शाहीनबाग की धरती पर, शाहीनबाग के माँ बहनों के साथ, शाहीनबाग के भाइयों के साथ, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी है, लड़ रहे हैं, इनके कंधे से कंधा मिलाकर फेस टू फेस बात करना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो आना नहीं चाहते? अगर आपके दिल में खोट नहीं है तो आपको आने में डर लगता है। एक और आप कहते हैं आके संवाद कीजिए और पुलिस को बोलते हैं कि शाहीनबाग वालों को रोक दो। आप, अरे आप जनता के सेवक हों, प्रभु श्री राम अपनी प्रजा के लिए अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ देते हैं। आप फर्जी हिंदू हैं, आप राम के नाम के सौदागर हैं। प्रभु श्री राम को इतना मत बदनाम कीजिए कि लोग नाम लेने से कतराने लगे। आपको शाहीनबाग की धरती पर प्रभु श्री राम का कसम है, प्रभु श्री राम का वास्ता है। एक हिंदू होने के नाते मैं खुली चुनौती देता हूं मोदी जी, अमित शाह जी, आप संयुक्त संसदीय समिति बनाइए और यहां आइए अपने पूरी अमली जमा के साथ। यहां सारे मीडिया के दोस्त भी होंगे, आप रूबरू होइए, इस समस्या का हल निकालिए, देश के विकास में दिमाग लगाइए, देश को तोड़ने में, देश को जलाने में, देश को लूटने